हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के पांच अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको इसी तरीके की वीडियो लगातार मिलती रहे तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास डेली नोटिफिकेशन जाएगा मैथ का रात को 9 बजे, रीजनिंग का 3 बजे, करंट अफेयर का सुबह 7 बजे और ऑनलाइन टेस्ट का रात को 10 बजे। और देखिए दोस्तों, आप किसी भी वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे सर्च करिएगा टॉपिक स्टडी, तो वहाँ पे ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में मोहित ने 12 चौके और 3 छक्के की मदद से एक शतक लगाया, तब मोहित ने विकेटों के बीच दौड़ते हुए कितने प्रतिशत रन बनाए। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक क्रिकेट मैच में मोहित ने 12 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, छक्कों की मदद से उसने एक शतक लगाया। तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले चौकों की मदद से कितने रन बने, 12 चौके उसने लगाए तो इसका मतलब कितने रन बन गए, 48 रन बन गए। और 3 उसने छक्के लगाए, छक्कों की मदद से कितने रन बन गए, 18 रन ये बन गए। यानी कि चौकों और छक्कों की वजह से उसके कितने रन बन गए, टोटल 66 रन उसके बन चुके हैं। और एक शतक में आपके 100 रन होते हैं, तो जो बचे हुए रन होंगे वो दौड़ते हुए बनाए होंगे उसने, ऑब्वियसली बात है। तो 100 में से मैंने 66 को माइनस कर दिया, बचा कितना आपका 34। ये 34 रन उसने दौड़ते हुए बनाए होंगे, ठीक है। अब पूछा है कि कितने रन उसने विकेटों के बीच में दौड़ते हुए बनाए हैं, उसकी प्रतिशत पूछी है। तो सीधा सीधा देखिए, मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, क्योंकि 100 एक शतक में आपका 100 रन होते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना था, बस 34, ये टोटल 100 में से उसने 34 भाग के रन बनाए, दौड़ते हुए रन बनाए, तो 34/100 और × 100 से कर देंगे, तो 100 से 100 कर जाएगा, तो 34 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, अगर पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, यदि एक संख्या के 3/5 का 60% का मान 36 है तो संख्या क्या है। चलिए हम मान लेते हैं कि संख्या एक x है, ठीक है, x संख्या है और उसका 3/5 का 60% का मान 36 है। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना, बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। x का मैंने 3/5 निकाला और उसका भी 60% निकाला, तो ये 36 आ गया, ठीक है भाई। तो x गुणा 3/5 गुणा यहाँ 60% है, तो मैं इसको परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 नीचे लगा दूंगा, ठीक है भाई। 60/100 कर दिया और ये इक्वल आपके 36 के लिख दिया। यहाँ पे जो चीज़ें कट सकते हैं कट कर देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 3 टाइम और 2 से ये 5 टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा, 3 3 9 और 5 5 25, तो यहाँ x मल्टीप्लाई 9/25 और ये यहाँ पे आपका 36 बचा हुआ है। ये इक्वल है तो इसका मतलब ये 9 से कट सकता है 4 टाइम, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा है, देखिए यहाँ पे 9 कट गया, यहाँ पे 36 कट के 4 आ गया, तो यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, x बराबर 100। तो आपका जो वो नंबर था वो 100 था, और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो एक एक्स मान करके जो क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल वैसे लिख दीजिए, सबसे पहले ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता हूँ 7:2 आपका राइट आंसर होगा। इसके पीछे लॉजिक भी मैं बताऊँगा कि क्यों होगा, आगे से आपको डायरेक्ट आंसर ही लगाना है, बट पहले समझ लीजिए क्यों मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया आंसर 7:2 होगा। देखिए मैं एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, सम होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक है, सभी को पता है। यहाँ पे देखिए 3 रेशो दिए गए, 2:3:7, तो यहाँ पे हमारे पास तीन जो कोण हैं वो क्या हो जाएंगे, 2x 3x 7x। अब 2x 3x 7x को मैं प्लस करूँगा तो 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। यहाँ पे x की वैल्यू मैं निकाल लूँगा, 2 + 3 + 7 कितना हो जाएगा, 12x = 180, तो x की वैल्यू आपकी 15 आ गई। x की वैल्यू 15 आ गई, यहाँ पे पूछा सबसे सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे ये बताइए, जो आपका रेशो दिया गया है यहाँ पे
सबसे बड़ा है 7x और सबसे छोटा 2x। तो जब मैं यहाँ पे 7x में 15 की मल्टीप्लाई करूंगा और 2x में भी 15 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपका ये बताइए इधर भी 15 की मल्टीप्लाई हुई और इधर भी 15 की मल्टीप्लाई हुई, इसका मतलब क्या होगा कि रेशो पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपका रेशो 7:2 ही आएगा। हाँ, एक चीज काम हो सकता था यहाँ पे, मान लीजिए रेशो दिया होता आपका 2:7:8 और यहाँ पे पूछा जाता है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे रेशो का अनुपात मतलब आपको बताना था, तो आप क्या करते, यहाँ पे सबसे बड़े और सबसे छोटे का पूछा था तो हम क्या लिखते 8:2। अब भाई 8:2 तो कट सकता है, तो यहाँ पे हम 2 से इसको कट करते और ये 4 से कट होता, तो तब आपका आंसर ये बनता। इस वाली कंडीशन में आपका रेशो चेंज हो जाएगा, अदरवाइज आपको डायरेक्ट जो भी पूछा जाए सबसे बड़ा सबसे छोटा या बीच वाला और सबसे बड़ा, जिस भी तरीके से आपसे पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको आंसर लगाना है, कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके के कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मतलब आंसर लगाने होते हैं, कभी भी सोल्व नहीं करने होते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और देखिए बहुत सारे बच्चे आज सोच रहे होंगे कि मैं इतने कम क्वेश्चन लेके क्यों आया हूँ, तो देखिए ये सब कुछ आप पे डिपेंड करता है, जितना आप सपोर्ट करते हैं, जितना आप लाइक करते हैं, जितना आप शेयर करते हैं, जितना आप मुझे कमेंट में रेस्पॉन्स देते हैं, उतने मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। आपको ध्यान होगा कि ग्रुप डी में मैं एक एक टाइम पे 30-30, 40-40 क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे बच्चे। अभी मैं 20 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, चाहे 10 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, चाहे 5 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, नहीं आप लाइक करते हैं, नहीं आप कमेंट करके बताते हैं कि कैसा लग रहा है, तो यार मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए होता है ना। जब किसी काम को करने के लिए मोटिवेट कोई नहीं करेगा तो उसको कौन करना चाहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लगातार अच्छी अच्छी वीडियोस मैक्सिमम क्वेश्चन ला के दूँ, तो आप मुझे मोटिवेट करिए लाइक शेयर करके और कमेंट में करके बताइए कि क्या मेरे को इम्प्रूव करना है, क्या मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आना है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखिए इसको घबराइए मत जो मैंने लिखा है, ठीक है ना, ये इससे घबराइए मत, ये एक 2 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको देखिए कितना जल्दी हम कर लेंगे। 64 × 5^4 -5^4 × 16 का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो यहाँ पे ये तो चलिए क्वेश्चन इजी है, फिर भी अगर क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो ये फिर कंफ्यूजिंग बन जाता है और आप सोचते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमसे नहीं बन पाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए कितने आसानी से हम बना लेंगे, आप मुझे बताइए, इसको तोड़ के लिखेंगे। 64 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 16 लिख सकता हूँ। ठीक है भाई, 16 × 4 कितना होता है, 64 होता है, तो मैं इसको 4 × 16 लिख सकता हूँ, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जानते होंगे। गुना मैंने क्या लिखा, 5^4 और यहाँ पे 5^4 × 16। देखिए एक एक स्टेप में आपको खोल के बता रहा हूँ, बिल्कुल आप इसी स्टेप में पहली लाइन में सब कुछ कर सकते हैं अगर एक बार एक एक स्टेप को समझ गए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये कर दिया इतना, फिर दूसरे स्टेप में आपको देखिए मैंने यहाँ पे ये 4 × 16 तो कर दिया, अब ये 5^4 लिखा है, इसको मैं तोड़ के क्या लिख सकता हूँ, 5^2 × 5^2 लिख सकता हूँ ना इसको मैं, तो बिल्कुल आपको इसको भी तोड़ के लिख लेना है, क्योंकि 5^4 करना हार्ड रहेगा, जबकि 5^2 यानी कि 5 का स्क्वायर सभी को पता है 25 होता है, तो ये हार्ड नहीं रहेगा। ठीक है ना, यहाँ पे 5^8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उनको तोड़ के लिखिए, तोड़ के लिखेंगे तो क्वेश्चन आसान बन जाएगा। फिर यहाँ पे 5^4 लिखा है, इसको भी मैंने वैसे ही लिख लिया। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे मैंने 4 × 16 करा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 16 और ये 5^2 था यानी कि 25 हो जाएगा, 25 और यहाँ पे भी 25 × 16, ये सब कुछ कर लिया मैंने इतना। अब मुझे ये बताइए 16 × 25 400 होता है, 16 × 25 400 होता है, यहाँ पे मैंने 400 लिखा, यहाँ पे मैंने 400 लिखा, ये 25 आपका इधर बचा हुआ है मल्टीप्लाई करने के लिए, इधर 4 और 25 दोनों बचे हुए हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर मैंने 25 × 400 में की तो 10,000 आ गया, इधर भी 25 × 4 में की 10,000 आ गया। देखिए एक एक स्टेप में करके बता रहा हूँ, इसलिए इतनी सारी लाइनें बन गई है, अदरवाइज आप इसको पहली लाइन में कर सकते थे, करके देखना दूसरा इसी टाइप का क्वेश्चन ईजिली बन जाएगा। ये कितना हो गया, 10,000 गुना 4 की करेंगे 40,000 और 10,000 माइनस कर दीजिए, 30,000 आपका राइट आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं था और जिस तरीके से मैंने बताया आपको एक एक स्टेप खोलते हुए, ऐसे करेंगे तो कभी भी इस क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, करके देखिए कम से कम 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के अपनी बुक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि बी का भाग AC के कुल भाग का 3/11 है, बी का भाग कितना है। ध्यान से देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, ये तो आपको पता चल गया 1540 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त करना है। अब यहाँ से देखिए कि B का जो भाग है वो A तथा C के कुल भाग का 3/11,
इसका मतलब समझने की कोशिश करिए, ए और सी के कुल भाग का। इसका मतलब है कि ए और सी का भाग 11 है और बी का भाग 3 है। दोबारे से पढ़ता हूँ इस लाइन को। यहाँ पे बोला जा रहा है बी का भाग ए और सी के कुल भाग का 3/11 है। इसका मतलब आपका ये हुआ कि ए और सी का भाग जो है 11 है और उसका 3 भाग बी का भाग है। ठीक है, तो बी का भाग कितना है? तो यहाँ पे मैंने इसको 3/11 लिखा, ए और सी का प्लस करके 11 हो गया और बी का आपका 3 हो गया। यानी कि ये मेरे पास क्या मिल गया, रेशो इनका मिल चुका है। ए और सी का रेशो 11 है, बी का अकेले का रेशो 3 है। यहाँ पे पूछा गया है कि ए बी सी में 1540 को किस प्रकार विभक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे जो कि बी का भाग यहाँ पे पूछा गया है, तो आपको क्या करना है भाई, 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14। तो 1540 को 14 से डिवाइड कर देंगे, मुझे किसका भाग चाहिए, बी का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो 110 बार जाएगा, 110 की 3 में मल्टीप्लाई होगी, तो बी का शेयर आपका 330 आ जाएगा। देखिए, जो मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका होता है वो सबसे अलग इसलिए होता है क्योंकि मैं चीज़ों को बिल्कुल जो उसका निचोड़ होता है ना, जो सबसे आसान तरीका बनाया जा सकता है उस क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो मैं लेके आने की कोशिश करता हूँ। और इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, मैं क्वेश्चन में ही ट्रिक ढूंढ लेता हूँ और उसे ही कोशिश करता हूँ कि वही आपको बिल्कुल बता दूँ, ताकि आप भी क्वेश्चन जब करें एग्जाम में बैठ के, तो आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये क्या चीज़ है, इसमें एक्स मानूँ वाई मानूँ और इसमें कितनी मल्टीप्लाई गुणा भाग करूँ। मैं चीज़ों को शॉर्ट से शॉर्ट में करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आती है तो प्लीज़ यार, हमेशा जैसे आप पहले मोटिवेट करते थे लाइक शेयर करके, शेयर तो जरूर कर दिया करें ताकि किसी और दूसरे बच्चे की भी हेल्प हो सके। और आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो भी इसी तरीके से आपको अच्छी अच्छी मिलती रहेगी। क्वेश्चन मैं बढ़ा दूंगा, मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे ये बोलेंगे कि क्वेश्चंस बढ़ाइए, तो क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।